हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूं शिल्पी और आज हम बनाएंगे दम आलू। ये दम आलू बनाने में जितने आसान हैं, खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये छोटे वाले साइज़ के आलू जो हैं वो बॉयल करके रखे हैं। तो ये आलू आप ध्यान रखिएगा, आप ओवर बॉयल ना करें, मतलब एकदम मुशी ना हो जाए। और अब मैं एक टूथपिक लूँगी और इन आलुओं में हम इस तरह से होल कर देंगे, जिससे कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ऑयल और मसाला जो है वो आलू के अंदर तक चला जाएगा। तो देखिए, हमने सारे आलू को प्रेक कर लिया है। और अगर आपके पास बड़े वाले आलू हैं तो आप उनको दो हिस्सों में काट भी सकते हैं। तो हम इसको साइड में रख लेंगे और अब हम एक पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए मैं ये मिक्सी का जार लूँगी और इसमें डाल देंगे हम ये चार चॉप किए हुए टोमेटोज। तो कोशिश करके रेड कलर के टोमेटोज लें, इससे आपकी जो ग्रेवी है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम डाल देंगे 6 से 7 लहसुन और 8 से 10 करीब काजू। काजू डालने से ग्रेवी जो है वो काफ़ी रिच बनती है। इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून या फिर 2 टीस्पून धनिया पाउडर। और यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें कि मेरे पास है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 से 3 लौंगे और 3 से 4 काली मिर्चें। और अब हम इस मसाले को पीस लेंगे और हम सब्ज़ी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है और अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो तेल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि हमें आलूओं को इसमें फ्राई करना है। तेल को हम हल्का गर्म हो जाने देंगे और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे एक छोटा तेज पत्ता और इसमें डाल देंगे ये बॉयल किए हुए और प्रिक किए हुए आलू। इनको हम चला लेंगे और आलूओं को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम कुक करेंगे। ये देखिए, हमारे जो आलू हैं अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। हम ज़ीरे को थोड़ा तेल में कड़कने देंगे और अब हम इसके साथ ही इसमें डाल देंगे अपना पीसा हुआ मसाला। और हम ये थोड़ा सा पानी जो है मिक्सी को धो के इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम मसाले और सब्ज़ी को आपस में अच्छे से पकने देंगे, जब तक कि हमारी सब्ज़ी जो है वो ऑयल रिलीज़ ना कर दे। इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, इसको भी मिलाएंगे। और अब हम आलू को ग्रेवी में कुक करेंगे। हम इसे जब तक कुक करेंगे तब तक कि हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे। ये देखिए, हमारी सब्ज़ी ने अब जो है ऑयल रिलीज़ कर दिया है अच्छे से। तो हम इसमें इस टाइम पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं करीब यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी का यूज़ कर रही हूँ। हम सब्ज़ी में एक बॉयल आने देंगे। अब सब्ज़ी अच्छे से बॉयल हो रही है, हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून शुगर। शुगर इसलिए डाला है क्योंकि हमने इसमें प्याज का यूज़ नहीं किया है, तो शुगर डालने से जो है सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला, इनको मिला लेंगे। दम आलू बनकर बिल्कुल तैयार है। हम गार्निश करेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़े से हरे धनिए के साथ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।